अभी हम जा रहे हैं घर वापस क्योंकि रात को मैंने यहीं स्टे किया था। नाउ टुडे इज माय एनिवर्सरी, तो बस चले हैं घर। और आज बहुत कुछ करना है मुझे, थोड़ा शादी का काम आया, केक और सब बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी अरेंज करनी है। चलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो आज फिर हम थोड़ी सी शॉपिंग पे ले जाएंगे आपको अपने साथ। अभी जस्ट मैं घर पहुंची ही हूँ, बस अभी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट तो कहाँ ही कर सकती हूँ अभी मैं। अभी मुझे पार्ट भी करना है और मुझे नहाना भी है अभी, और क्या करना है मेरे को, हाँ मेरे को मन्नी के एक और सेट ऑफ कलीरा लाने हैं क्योंकि मुझे काफ़ी छोटे से लग रहे थे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा फुलर होना चाहिए, अच्छा लगता है एक ही दिन पहनने, तो बहुत सारे कलीरे होंगे, बहुत अच्छी सी लगेगी। तो अभी मैं देखती हूँ, अगर तो यहाँ पे मिल गए ठीक, नहीं तो फिर मुझे लाजपत नगर जाना पड़ेगा दोबारा। और मुझे क्या करना है, मुझे केक भी लेना है। डायनासोर बन के दिखा दो जल्दी से, कैपी कैपी लगा के, कैपी लगा के डायनासोर बन जो। चमचा दे दो, कोरोना बदल की करने दे। चल यार केक था, चलो हो गया। एक मिनट पीछे वो खींच दिया, ऐसे कर पीछे वो देखे रहा। ओए यार देख रहे हो आप, हालत देख रहे हो आप सर। डाइट 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 हम खा रहे हैं पिज्जा चीज बर्स्ट, और ये खा रहे हैं डाइट फूड। खाएंगे तो ये भी, वो हम दिखाएंगे नहीं। तो अभी मैं बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने, रेडी तो मैं कुछ पास हो गई एंड नाउ आई हैव टू गो मन्ने के कलीरे लेने, और उससे पहले मेरे को ड्राई क्लीनर के पास जाना है, तो अभी वो हम जा रहे हैं, उसके बाद कलीरे लेने जाएंगे। तो अभी मैंने साड़ी दी ड्राई क्लीन अंकल, ड्राई क्लीन वाले अंकल को, तो वो कहते हैं पक्का तुम्हारी मम्मी की शादी की साड़ी है ना, कहते देखा मैंने पहचान ली हमने एग्जैक्टली, तो काफ़ी पुरानी मतलब ये साड़ी है जो मैं इसको दोबारा से पहनूंगी, और एक ही बार पहनी थी उसके बाद मैंने नहीं पहनी। नहीं वो चला गया यहाँ से, नहीं वो चला गया। तो अभी शॉप पे तो हम आ गए हैं कलीरे देखने, चलो देखते हैं कैसे मिलेंगे। दिखा देते ऐसे ही लिया उसके लिए, पहले भी लिया था मन्ने के भी ऐसे ही लिया। ये 25 है, कितना है ये? 25 है। हाँ मिलो सर, पतली लग सकती है इसमें। सो नाउ आई एम बैक एंड हाँ मैं साड़ी की स्टोरी सुना रही थी कि साड़ी का क्या सीन था। तो ये जो साड़ी है कम से कम 30 to 34 ईयर्स ओल्ड साड़ी है, और ये अभी तक एकदम न्यू है, एकदम न्यू। जिस ड्राई क्लीनर को देने गए थे ना, वो भी ही वो शॉक के था ये कितनी सही है अभी तक, क्योंकि वो पहनी ही नहीं गई है इसलिए। और मेरे माइंड में था कि रिसेप्शन के लिए मैं साड़ी खरीदूंगी, बट मेरा था थोड़ा सीक्वेंस वगैरह मैं ले लूँगी, कुछ अच्छी ले लूँगी। बट जब मम्मा ने मेरे को ये साड़ी दी ना, एंड आई वाज लाइक नहीं अब मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, अब मैं यही पहनूंगी, क्योंकि जब मैंने उसको पहना ना इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आपने देखा होगा मैंने स्टोरीज़ में डाली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसका कलर भी बहुत प्यारा। अब ऐसी साड़ियाँ मिलती नहीं, बनती ही नहीं है ऐसी साड़ियाँ, ये बिल्कुल प्योर बनारसी साड़ी है। और अब बनारसी साड़ी मतलब लेने जाओ, मतलब ऐसा मटेरियल और ऐसा जो उस पर काम हुआ हुआ है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आई एम इनटू विंटेज क्लोथिंग एंड विंटेज ज्वेलरी, मतलब सोचा मुझे यही पहनना है और मैं यही पहनूंगी, तो मैं अभी वही पहन रही हूँ। तो बाकी क्या बोला मैंने, यही पहनना है मैं वही पहनूंगी और मैं यही पहन रही हूँ। ये हिंदी में कुछ होता था ना, कुछ पता नहीं है, सॉरी।
चुविक इन हिंदी, क्योंकि मैंने पंजाबी पढ़ी है थर्ड ईयर तक ज़्यादा। हिंदी मेरी कभी बहुत अच्छी कभी भी नहीं थी, मतलब लिखने और पढ़ने में, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, पढ़ पाती हूँ अच्छे से, पर पंजाबी ज़्यादा फ्लुएंट है मेरी। आज जो छोटे मोटे काम रहते थे वो सारे हो गए हैं, और बड़ी बात ज्वेलरी वगैरह की वो भी मैंने लेनी थी। मैं दिखा दूँ क्या थोड़ा बहुत? चलो मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी व्लॉग में मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मेरे पास पड़ी होगी वीडियो तो। अगर मैंने डिलीट कर दी होगी तो मैं नहीं डालूंगी। फॉर्चुनेटली मैंने ज्वेलरी की जो वीडियोस बनाई थी वो मैंने डिलीट कर दी है, मैं अभी चेक वही कर रही थी तो नहीं है इसमें। जब जब ज्वेलरी आएगी तो मैं थोड़ी ग्लिम्स दिखा दूंगी, पूरा नहीं दिखाऊंगी। पूरा लुक मैं जब शादी का व्लॉग डालूंगी उसमें ही दिखाऊंगी क्या मैं पहन रही हूँ, कैसी ज्वेलरी मेरी है, और क्या मनी पहन रही है, कैसे कपड़े और कैसी ज्वेलरी, उसके सब कुछ उसमें ही दिखाऊंगी। तो अभी मैंने एक नया मतलब सीरीज स्टार्ट किया है, अभी मैंने एक व्लॉग डाला इससे पहले, वो है 7 days बिफोर वेडिंग। तो अब मैं ये व्लॉग डालूंगी तो सिर्फ 6 दिन रह जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करते मैं वेडिंग डे तक रिसेप्शन तक डालूंगी सारे व्लॉग्स एक एक करके, तो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द वेडिंग। और बारिश का मौसम तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक कॉफ़ी पी ली जाए, और तो मैं अपना मुँह चला नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि पतले होना है और ज़्यादा। ये जो हमने खाना वाना खाया उसमें से भी आई हैड स्मॉल पोर्शन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज मैं कभी भी ज़्यादा नहीं खाती, ज़्यादा एज इन कि पोर्शन जो होता है कि पूरा एक खा लिया किसी चीज़ का पोर्शन, नहीं, उसमें जो 1/4 हिस्सा होता है ना मैं वो खाती हूँ। तो अभी जैसे टैकोज आए थे तो उसका हाफ इतना मैंने खाया होगा, और जो पिज़्ज़ा था उसका एक स्लाइस छोटा वाला मैंने खाया होगा। आई एम डन, नथिंग लाइक दैट कि मैं स्टाफ कर रही हूँ अपने आप को या कुछ भी है। मैं अपनी ऑलरेडी जो लंच था वो मैं फुल मील अपनी ले चुकी हूँ, तो मेरे को अपना कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, तो मैं उसके हिसाब से काउंट करके खाती हूँ कि भाई कितना खाना है मुझे कितना नहीं। ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती, अब मेरे को आदत ही नहीं रहेगी इतना खाने की वैसे भी, तो चलता है मेरा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है एकदम से, फोन ही थी वहाँ, बर्फ़ पड़ी है हिमाचल में, अब यहाँ पर बारिश। वाओ, देखो सुनो, मतलब कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं बाहर लिटरली, बहुत ठंड होने वाली है अब फिर से। और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है एंड इट्स अराउंड 1 in the night। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि मेरी हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मेरे को बहुत थकान हो रही है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट विद अनदर व्लॉग, बाय।